हेलो, गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम कल जो पार्ट 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का जो वीडियो डाला था उससे आगे की बात करते हैं थोड़ा। यदि किसी सेंटेंस में यस या नो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उन्हें हम कैसे चेंज करते हैं, आज हम इस बात पे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं। मैं पहले एक एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज राम, द टीचर सेड, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, टू हिज स्टूडेंट, हमारा इन्वर्टेड फॉर्म है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। Student said, the student said, yes. और यहां पर ये आंसर उसने यस में दिया। ये आंसर नो में भी हो सकता था और यहां पर यस सर भी हो सकता है। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यस सर। ये इस तरह से भी सेंटेंस कंप्लीट किया जा सकता है, आंसर हो सकता है इसका। अब हम इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम करेंगे क्या, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको तो हम जिस तरह से बदलते आए उसी तरह से हम बदलेंगे। कल हमने सीखा था कैसे बदलेंगे इसको, एक बात ध्यान देंगे। द टीचर, टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट, asked his student, inverted comma के लगे स्थान पर, if you change your student से तो ही, of your head completed his work, यहाँ पर full stop। अब आगे को कैसे बदलेंगे, अब आगे का है the student said, तो हम इसको एंड से जोड़ते हुए आगे को बात बढ़ा देंगे और लिखेंगे एंड हिज स्टूडेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। यहां पर एक शब्द और आया रेस्पेक्ट, इसके लिए सर जब हटाते हैं तो हमने पहले बताया था रेस्पेक्टफुली जोड़ देते हैं, या विद रेस्पेक्ट जोड़ देते हैं। हिज स्टूडेंट्स रिप्लाइड इन अफर्मेटिव विद रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली, इस तरह से ये यहाँ पर जोड़ेंगे विद रेस्पेक्ट। अब ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पर हमने एक शब्द जोड़ा रेप्लाइड इन अफर्मेटिव, ये यस शब्द अगर यहाँ पर यस आता है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव के अलावा यहाँ पर हम एग्रीड, एक वर्ब और होती है एग्रीड, उस वर्ब को भी यूज कर सकते थे एग्रीड या आंसर्ड। यहाँ पर रिप्लाइड की जगह हम वर्ब आंसर्ड वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा कोई वर्ब करते हैं, यानी और अगर कोई शब्द होता तो यहाँ पर एक्सेप्टेड अगला वर्ब डालता है, किसी ने कोई बात कही और हमने एक्सेप्ट किया यार, तो हम यहाँ पर एक्सेप्टेड इतना भी चेंज किया जा सकता है। और इस तरह से यस वर्ड आते हैं तो उनके लिए इन शब्दों में से हम कोई एक शब्द यहाँ पर लिख करके बाकी को इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। इसी तरह से अगर नो वर्ड आता है यहाँ पर, अगर नो वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, तो फिर यहाँ पर हम डिनाइड वर्ड का यूज करते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहां पर उसको हम डिनाइड या रिजेक्टेड, एक और वर्ड होता है रिजेक्टेड। अगर किसी ने कोई प्रस्ताव दिया है और हम उसको नो करके रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिजेक्टेड में भी बदल सकते हैं। यहाँ पर अगर नो शब्द आया है और अगर हम किसी चीज से सहमत नहीं है तो आंसर्ड इन नेगेटिव, इस तरह से भी आंसर दिया जा सकता है, आंसर्ड इन नेगेटिव, इस तरह से भी हम बदल सकते हैं। और आंसर्ड इन नेगेटिव
या रिप्लाइड इन नेगेटिव, इस तरीके के वर्ड हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिफ्यूज्ड वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस, व्हाट इज द विच वर्ब इज फिट, कौन सी वर्ब सही है उसका सेलेक्ट करके इन वर्ब से हम यहाँ पर आंसर करते हैं, देते हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं इनको मिटाते हुए, नोट का एग्जाम्पल देता हूं। सपोज द टीचर आस्क्ड आरंभ Ask Anand, are you attending the classes? Question mark inverted comma close। अब हम इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, ये इतना ये कल हमने बताया था, अब इसके बाद इसी सेंटेंस में अगर आनंद का आंसर भी जोड़ दिया गया है, इस तरह से आनंद सेड नो, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे चेंज, जब पहले तो हम फर्स्ट सेंटेंस को चेंज करेंगे, द टीचर आस्क्ड आनंद और यहां पर इफ का यूज करेंगे, इफ आप क्यू चेंज हुआ आनंद से, तो इफ ही वॉज अटेंडिंग, ही वॉज अटेंडिंग द क्लासेस एंड आनंद, अब यहां पर एंड आनंद, अब आनंद ने क्या कहा था नो, तो हम यहां पर डिनाइड भी कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं आनंद रिप्लाइड इन नेगेटिव, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं आनंद डिनाइड, NIED डिनाइड, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। यहां पर अगर ये बात होगी जैसे राम आस्क्ड हिज फ्रेंड आर यू गोइंग टू मार्केट With me, अब उसका फ्रेंड आंसर दे देता है नो, तो हम क्या कह देंगे यहां पर, एंड ही रिजेक्टेड, या उसने ही रिफ्यूज्ड, इस तरह से हम वर्ब का यूज कर देते हैं ये जो दूसरा वाक्य आता है इसको जोड़ने के लिए, और हम उसको इस तरह से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं, कुछ सेंटेंस एक और बात बताता हूं यहां पर, हमने कल एक बात बताई थी जब हम इनडायरेक्ट में किसी इंटरवेटिव सेंटेंस को बदलते हैं, और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो फिर हम वहाँ पर इफ या वेदर इन दो कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, इन दो में से कोई एक चुनते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जनरली हम इफ का यूज ज़्यादा किया है, लेकिन वेदर का यूज जहाँ सिलेक्शन दिया जाता है, जहाँ चॉइस दी जाती है आप इस काम को कर लेंगे या इसको, या इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए, वहाँ पर हम वेदर का यूज कंजंक्शन के रूप में ज्यादा अच्छा माना जाता है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, द टीचर सेड टू हरी, द टीचर सेड टू हरी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू यू वांट टू अटेंड, Do you want to attend class? Do you want to attend class or not? अब यहां पर एक अल्टरनेट दिया उसको, क्या आप अटेंड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जब इस तरीके का सेंटेंस आता है तो फिर हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो यहाँ पर हम वेदर का यूज ज्यादा अच्छा मानते हैं, और हम जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर द
The teacher asked Hari और यहां पर whether H-E-T-H-E-R whether अब इसको फिर वैसे ही चेंज किया हरी से he wanted past indefinite tense में चेंज किया he wanted to attend class or not in this way we change this such sentences into indirect narration अब हम इसके आगे हमारा ये जो टॉपिक था इंटरवर्टेड सेंटेंसेस का ये पूरा हो गया यहाँ पर अब हम थोड़ा कल इसके बाद जो कल आगे को पढ़ेंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरह से बदलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में और इसका मैं आपको होमवर्क दूंगा एक्सरसाइज आज हम डालेंगे और आप उसको सॉल्व करिएगा और उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको आप उससे कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन से इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उससे पूछ सकते हैं और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कोई सेंटेंस आता है जो आप जहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं थैंक्स